सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों की। आगरा में शिवलिंग के पास दिखा सांप। मंदिर में दर्शन के लिए आए भक्तों ने बनाया वीडियो, लगे बम बम भोले के जयकारे। अलीगढ़ में स्ट्रीट लाइट में लाखों का घोटाला। प्रधान व सचिव ने खरीदी लोकल कंपनी की लाइट, 5 लाख का किया भुगतान। मायावती का बड़ा ऐलान, बसपा एनडीए के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट जगदीप धनखड़ को देगी समर्थन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के लिए गोरखपुर के दौरे पर। सुबह उन्होंने गोरखपुर मंदिर में फरियादियों की सुनी समस्याएं। मेरठ के घर में बना रहे थे नकली नोट, एसटीएफ ने मेरठ में 4 युवकों को किया गिरफ्तार। मुख्य सरगना खुशी गांधी फरार। टोल फ्री नंबर 1912 पर दर्ज होगी बिजली की शिकायत, अनसुनी होगी तो होगी कार्यवाही, शिकायतों का होगा त्वरित निस्तारण। बागपत के गांव में चोरों का आतंक, 2 घरों से जेवर नकदी लेकर फरार। विरोध करने पर घर वालों पर ईंट से हमला। जसपुरा में जिला पंचायत सदस्य का उपचुनाव कल, 3 प्रत्याशियों के बीच होगा मुकाबला। 45,349 लोग करेंगे मतदान। फतेहपुर में पकड़ी गई 100 लीटर कच्ची शराब, 10 क्विंटल लहन किया गया नष्ट, 10 लोग गिरफ्तार। मिर्जापुर में पुलिस की मुठभेड़ में इनामी बदमाश गिरफ्तार, पीछा करने पर बदमाशों ने किया फायरिंग, पैर में लगी गोली। रामपुर में ग्राम प्रधान पर पेड़ काटने का आरोप, ग्रामीण बोला ग्राम समाज की जमीन पर उगे 4 पेड़ काटे डाले। मां करती थी परेशान इसलिए कर दी हत्या, धनौरा में गोद लिए बेटे ने की मां की हत्या, आरोपी ने कबूल किया जुर्म। झांसी में 7 साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़, 10 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी, डांटा तो बोली ऑटो वाले अंकल करते हैं गंदी हरकतें। पतंजलि स्टोर लूटने वालों को एनकाउंटर में लगी गोली, गाजियाबाद में वारदात करके कावड़ लेने चला गया था बदमाश। आलम से अर्जुन बनकर नटवरलाल ने लगाया चूना, फर्जी कागजात तैयार कर 6 बैंकों से लिया 90 लाख रुपए का लोन। एलिफेंट कैंप कालागढ़ में मनाया गया सावन हाथी का जन्मदिन, स्पेशल फ्रूट केक काटा, ठहरने के स्थान पर रखा गया विशेष ध्यान। हाथरस में प्रधान के भाई की गोली मारकर हत्या, खाना खाकर बाहर टहल रहा था, घर से 200 मीटर दूर मिला जख्मी हालत में। बस्ती में एसपी ने स्वाट टीम को किया भंग, 16 साल के किशोर की पिटाई, मामले में हुई कार्रवाई, एएसपी को सौंपी मामले की जांच। ललितपुर में दबंगों ने महिलाओं के साथ की मारपीट, 5 महिलाएं घायल, इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। हाथरस में सरकारी अस्पताल में नहीं मिली एम्बुलेंस, कंधे पर शव लेकर घूमते रहे परिजन, निजी एम्बुलेंस से लेकर गए घर। सीतापुर में युवती से छेड़छाड़ के बाद जाम कर किया हंगामा, थाने में ज्ञापन देकर करनी सेना के सदस्यों पर बाकी से हमला। बदायूं में भाई के सामने भाई को पीट पीट कर मार डाला, खेत की मेड़ को लेकर हुआ विवाद, मरने वाला युवक बीएसटी का छात्र। नारणी नदी का पानी गांवों में घुसा, लगातार बढ़ रहा जलस्तर, 12 घंटे में करीब 44,000 क्यूसेक की वृद्धि। नशे में धुत दरोगा ने कार से 2 कोरोना, 1 की मौत, पुलिस परिजनों के बीच नोकझोंक, कानपुर प्रयागराज हाईवे पर हुआ हादसा। युवती की मौत से आक्रोशित परिजनों ने लगाया जाम, सीतापुर पुलिस पर हीला हवाली का आरोप, हिंसा हिंदू संगठन से हुई नोकझोंक। फिरोजाबाद में कांग्रेस प्रभारी की बैठक में जमकर हंगामा, आरोप प्रत्यारोप के बीच हुई नारेबाजी, कार्यकर्ताओं को साधते नजर आए मंडल प्रभारी। हमीरपुर में हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, ड्राइवर और हेल्पर हुए घायल, सुमेरपुर से जा रहा था चेन्नई। इंस्पेक्टर की पत्नी ने तमंचे से खुद को मारी गोली, 28 जुलाई को लौटकर आई थी घर, मृतका की बहन ने हत्या करने का लगाया आरोप। संभल में धूमधाम से मनाई गई कल की जयंती,
रथ यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु, रासलीला शिव पार्वती नृत्य रहा आकर्षण का केंद्र। प्रतापगढ़ में पंचर एम्बुलेंस से रेफर किया मरीज, सीएससी से मेडिकल कॉलेज भेजा गया था, गोली लगने से घायल युवक 30 मिनट तक तड़पता रहा। अमेठी में दोनों हाथों से दिव्यांग छात्रा पैरों से लिख रही इबारत, तो दिव्यांग छात्रा दीपिका ने सरकार से सहयोग की मांग। अयोध्या पहुंचे मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने सपा पर कसा तंज, कहा चुनाव हारते हारते अखिलेश का दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया। फरुखाबाद पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर मिला वृद्ध का शव, परिजनों ने वृद्ध की हत्या किए जाने की आरोप लगाया। गाजियाबाद के लोनी के वार्ड नंबर 45 चुमन विहार इलाके में पानी से परेशान लोग कर रहे पलायन। गाजीपुर में ऑनर किलिंग का मामला आया सामने, दो सगे भाई गिरफ्तार, लव अफेयर के चलते ऑनर किलिंग में गला रेत कर की थी हत्या। गोंडा में बारिश के बाद अब बाढ़ का आगाज, घाघरा खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर पार, 25 किलोमीटर की रोड में कई जगह कटा। हरदोई के सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए दूर दूर भटकने को मजबूर महिला, प्रधानाचार्य पर लगाए आरोप। कानपुर के नरवल में तालाब में डूबने से मासूम की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। लखीमपुर खीरी के हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित हुआ तिरंगा मैराथन रैली का आयोजन। मथुरा में कोटवन बॉर्डर के समीप लगी भीषण आग, दमकल पहुंची मौके पर, आग पर पाया काबू, कोई जनहानि नहीं। संभल में महिला को अवैध शराब बेचने वालों की शिकायत, विरोध करना पड़ा महंगा, दबंगों ने महिला को मारने का किया प्रयास। बलिया में लड़की का गैंगरेप करने का मामला आया सामने, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। आगरा में जमीन के विवाद में चली गोली, एक महिला और दो पुरुषों को लगी गोली, फायरिंग के बाद गांव में पुलिस बल तैनात। अमेठी में पुलिस गश्त की खुली पोल, चोरों ने इंडस्ट्रियल एरिया में एक घर को बनाया निशाना, घरों में चोरों ने किया हादसा। गाजियाबाद में सरकारी प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से लगवाया जा रहा झाड़ू पोछा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोंडा में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पारी के गड्ढे में जाने से एक की मौत, मौत के बाद परिजन और ग्रामवासियों ने किया हंगामा। कानपुर रियल एस्टेट कारोबारी के घर आयकर विभाग का छापा, भूमाफिया ब्रजेंद्र चौहान से संबंध की बात आई सामने। लखीमपुर खीरी के पंजाब नेशनल बैंक के सड़क से गेट तक भरा है घुटनों तक पानी, ग्राहकों स्टाफ को होती है परेशानी। लखनऊ के बीकेटी थाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया घेराव, थाने पर गाली गलौज के साथ किया गया प्रदर्शन। नोएडा में नौकरी के नाम पर युवती के साथ दुष्कर्म, पीड़ित के परिवार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कानपुर में युवक ने फांसी लगाते हुए खुद की मौत का बनाया वीडियो, युवक ने घर के पंखे में फंदा डालकर फांसी लगाकर दी जान। लखनऊ के नए कमिश्नर आते ही ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने का उठाया बेड़ा, पुलिस ने कराए रास्ते बंद। प्रयागराज में बतख व्यवसायी की लाठी डंडों से पीटकर हत्या, बतख लेने के दौरान हुआ था विवाद। श्रावस्ती के जिला अस्पताल में बिजली न होने से 3 नवजात शिशुओं की हुई मौत, 3 बच्चों की मौत से जिला अस्पताल में मचा हड़कंप। मथुरा में सौतेले पिता चाचा ने बेटी से 2 महीने तक किया रेप, चाची ने दी गर्भ निरोधक गोली, मां भी शामिल। बाराबंकी में 8 साल का बच्चा नदी में डूबा, लगातार बढ़ रहा सरयू का पानी, खेलते खेलते हुआ हादसा। आजमगढ़ किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए दिए गए टिप्स, क्वालिटी फार्मिंग के लिए 100 से ज्यादा किसानों को किया गया ट्रेन। ग्रेटर नोएडा में स्कूल और प्लाजा पर लगाया गया जुर्माना, कूड़े का निस्तारण न करने पर एक ड्रेनो प्राधिकरण ने की कार्रवाई। नोएडा के सिक्कर कार्मिक बिल्डर पर मुकदमा दर्ज, परिजनों ने बिल्डर से मांगा 50 लाख का मुआवजा, हो सकती है गिरफ्तारी।
मैनपुरी के आर्यवर्त बैंक की शाखा में लगी आग, बैंक से लपटे निकलती देख फैली दहशत, नुकसान का नहीं हुआ आकलन। सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने हरदोई में की बैठक, कहा विपक्ष के नेता अति पिछड़ा समाज को आगे बढ़ने नहीं दे सकते। महाराजगंज में मुआवजे को लेकर लोगों ने जताया विरोध, NH-29 के लिए अधिग्रहित हो रहा है जमीन, डीएम को सौंपा ज्ञापन। सुल्तानपुर में बैंक फ्रेंचाइजी संचालक की हत्या में दो गिरफ्तार, 9000 रुपए के लिए हुआ कत्ल, जंगल में मिला शव। आगरा में तीन महीने में 10 पुलिसकर्मियों के घरों में चोरी, पुलिस लाइन में सरकारी आवास के चोरों ने चटकाए ताले। सपा नेता और बिल्डर्स के 8 ठिकाने पर आईटी रेड, 300 करोड़ के ट्रांजैक्शन आईटी टीम के रडार पर। बस्ती में सीएचसी और पीएससी की होगी आकस्मिक जांच, डीएम बोली अनुपस्थित पाए जाने पर डॉक्टर और स्टाफ पर होगी कार्रवाई। संत कबीर नगर में सरयू का बढ़ा जल स्तर, 78.50 तक पहुंचा पानी, खतरे के निशान से अभी थोड़ी दूर। प्रतापगढ़ में राजा भैया के पिता धरने पर, मस्जिद नुमा एंट्री गेट हटवाने की मांग पर अड़े, बोले धार्मिक भावनाएं हो रही आहत। फर्जी दस्तावेज तैयार कर चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार, 30 घन मीटर गिट्टी की थी चोरी, धोखाधड़ी से फर्जी दस्तावेज किए थे तैयार। चित्रकूट जिला अस्पताल पहुंचे डीएम, सीएमएस सीएमओ को लगा फटकार, कहा जांच कराकर करेंगे कार्रवाई। कौशाम्बी अनंत सोनी हत्याकांड में भाजपा नेता की नहीं हुई गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार ने एडीजी से लगाई गुहार। सफाई कर्मी की मौत पर सहारनपुर नगर निगम में हंगामा, करंट लगने से झुलसा था साथी कर्मचारियों ने परिवार की मदद की उठाई जिम्मेदारी। ललितपुर में रोडवेज बस ने बाइक सवार को कुचला, हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा घायल। चंदौली में चोर को दी तालिबानी सजा, गर्दन पकड़कर 7 बार पटका बनाया बंधक, ट्रक के केबिन में कर रहा था चोरी। बिजनौर में पानी के तेज बहाव में वही कार सवार, 3 लोगों ने कूदकर बचाई जान, बदायूं से जा रहे थे हरिद्वार। पिछहत्तर जिलों की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम।